हाय, दिस इज अनूप सोनी और आप मुझे देख रहे हैं सिने स्पीक्स पर। हाय सर, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। हाउ आर यू? आई एम गुड। कांग्रेचुलेशंस, ट्रेलर बहुत अच्छा है और जैसा कि नाम है बॉम्बर्स, तो वैसे ही कुछ बॉम्ब टाइप का ट्रेलर है और हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, लव्ड इट। तो आप बताइए, कुछ फुटबॉल आप खेल रहे हैं कि नहीं? मैंने आपको नहीं, नहीं देखा। मैं बिल्कुल फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं। इनफैक्ट मेरा किरदार ऐसा है कि मैं फुटबॉल खेलने वालों के अगेंस्ट में हूं। अगेंस्ट है, अगेंस्ट इन द सेंस दैट द स्टोरी इज सेट इन चंदन नगर, जहां पे एक क्लब है जो फुटबॉल खेलता है, उनका अपना एक ग्राउंड है और मैं एक ऐसा किरदार निभा रहा हूं जो वो किसी भी तरीके से उस लैंड को ग्रैब करना चाहता है और उसको उसके ऊपर एक मॉल बनाना चाहता है और बहुत कुछ करना चाहता है। ओके, तो क्या ये पूरा ऑल एंड ऑल नेगेटिव शेड है या फिर कुछ पॉजिटिव है इसमें? नहीं, पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा। कहानी के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो वो एंटैगनिस्ट है कहानी में, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट चाहता है वो उसको वो करने नहीं देना चाहता, इसलिए वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है। लेकिन हाँ, वो टिपिकल नेगेटिव नहीं है, मतलब वो फिल्मी विलन नहीं है, वो आम आदमी है जैसे होते हैं। जो उसकी पोजिशन है, जो उसकी सर्कमस्टांसेस है, वो अपने हिसाब से सही है। उसको लगता है कि लैंड इतना बड़ा वेस्ट हो रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, कुछ करते तो है नहीं, ना तो कोई बहुत बड़ी टीम है इनके पास, क्यों इतना बड़ा ग्राउंड वेस्ट करें, इसका बेटर यूज़ हो सकता है, सोसाइटी का डेवलप हो सकता है, सोसाइटी में प्रोग्रेस हो सकती है, मॉल्स बनेंगे, बच्चों के लिए बहुत कुछ हो सकता है। सो हिज इज हिज ओन वर्जन, बट ये है कि उसको हथियाने के लिए वो जिस तरीके की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है, ही इज नॉट लाइक कि कुछ उस तरह का खतरनाक विलेन है। वो एक आम आदमी है, वेरी डायनामिक एजुकेटेड मैन, वेरी स्मार्ट, वेरी स्ट्रीट स्मार्ट आई वुड से, और एम्बिशियस भी है लाइफ में। तो वो अपने तरीके से अपनी हरकतें करता है जो कि कहानी के हिसाब से नेगेटिव हैं, इसलिए वो नेगेटिव रोल कर रहा है। जब फिल्म में मल्टी स्टार कास्ट होती है, जैसे सपना भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, फिल्म में प्रिंस भी हैं, तो ऐसा रोल होता है कि जब आप लोगों को बिल्कुल सही जगह मिलती है, मतलब स्पेस आप लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, या फिर कुछ लगता है कि उसके रोल में ज़्यादा है या हमारे रोल में कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ होता है आपके साथ, कभी हुआ है ऐसा? देखिए, जब एक एक्टर को रोल ऑफर होता है तो अपनी तरफ से वो रोल को हर तरह से चेक कर लेता है जी। उस किसी भी समझदार एक्टर को स्क्रिप्ट पढ़ के ये समझ में आ जाता है कि मेरे रोल की इस सीरीज में या इस फिल्म में इम्पोर्टेंस क्या है, इस कहानी में। मैं एज एन एक्टर ये देखता हूँ कि ये जो मेन कहानी है, उस मेन कहानी की जर्नी में मैं कहाँ फिट हो रहा हूँ, मेरा जो कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है, क्या वो उस मेन कहानी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है या उसकी वजह से कुछ चीज़ें हो रही हैं, तब आपको लगता है कि हाँ, तब उसमें लेंथ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप उस कहानी में क्या कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, आपका किरदार जो है वो उस कहानी में, आपके किरदार के ना होने से उस कहानी में क्या कुछ फर्क पड़ेगा, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट होता है एज एन एक्टर। और जहाँ तक इस सीरीज का सवाल था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेन प्लॉट में ही जो कहानी का प्लॉट है उसमें सबसे बड़ा अगर कैरेक्टर जो है, जो जो हमारे प्रोटैगनिस्ट को वो करने नहीं देना चाहता है, तो वो ये नेगेटिव कैरेक्टर ही है, एंटैगनिस्ट ही है। तो मैं जब स्क्रीन पे नहीं भी हूँ तब भी मेरे बारे में बात हो रही है। अच्छा, ओके। तो आपकी जर्नी काफ़ी हो गई है लंबी, यहाँ से बालिका वधू से आपने मतलब बहुत नेम और फेम अर्न किया है, उसके बाद आपकी जर्नी चलती चली जा रही टचवुड थ्रू आउट मतलब जर्नी, आप बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर रहे हैं सर। आपको कभी लगा ऐसा कोई फेज़ या कभी कोई ऐसा कोई मुकाम आया जहाँ पर आपको लगा कि यहाँ से अब थोड़ा मुझे चीज़ें मिलनी कम हो रही हैं, जो आप चाहते हैं, जैसा आप रोल चाहते हैं वैसा आपको ऑफर नहीं आ रहा, ऐसा कभी कभी हुआ आपके साथ? See, I tell you, if I see my journey, I feel के मैं कभी मेरी जिंदगी में touchwood by the grace of God, life में कभी ऐसा मौका नहीं आया है कि मैं काम करना चाहता हूँ और मेरे पास काम नहीं है। मेरे पास काम की कभी कमी नहीं रही, काम हमेशा मेरे पास रहा, मैं हमेशा busy रहा, मैं अपने आप को जितना चाहता busy कर सकता था। But the only thing what happened is that sometimes I felt that as an actor there is a lot happening around me. और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना मैंने अपने आप को ज़्यादा मौका दे पाया जो मेरी सर्कमस्टांसिस थी, ना मुझे लोगों ने थोड़ा एक्सप्लोर किया एज एन एक्टर ज़्यादा, जो मैं अब करना चाहता हूँ। अब मैं काफ़ी हेलबेंट हूँ इस बात को लेकर कि मैं मेरे अंदर का जो एक्टर है वो भी बहुत रेस्टलेस है और मैं बहुत सारा वैरायटी ऑफ काम करना चाहता हूँ। सो मेरा कभी वो लो फेस नहीं आया कि मेरे पास काम ही नहीं है, मैं काम मांग रहा हूँ। मैं काम मांग रहा हूँ लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव पोजीशन में काम मांग रहा हूँ कि मेरे पास काम की कमी नहीं है, लेकिन मैं इस डायरेक्टर के साथ काम करना, या मतलब यू बिकम चूजिंग नाउ कि हाँ ये मुझे इसके साथ काम करना है, मैं इससे काम मांगूंगा, मैं इसको जाके बोलूंगा यार आई लव योर वर्क, आई लव योर फिल्म्स, आई लव योर डायरेक्शन, आई वांट टू वर्क विद यू, मुझे वो मांगने में कोई हेजिटेशन नहीं है।
तो आपको लगता है कि वेब सीरीज़ के आने से डिजिटल वर्ल्ड में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, मतलब फिल्मों को प्रॉब्लम हो रही है, अदर टीवी सीरीज को इफेक्ट हो रहा है, डू यू थिंक सो? सी देखिए, ये तो साइकिल है ना, जैसे जंगल में छोटा मछली बड़ी छोटी मछली का कहावत है ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, फिर शेर होता है, फिर ये अलग अलग लेवल होते हैं, तो ये तो एक साइकिल है। जब टेलीविजन इतना बड़ा नहीं था, टेलीविजन वॉज अ स्मॉल एंटिटी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि टेलीविजन इतना बड़ा बन गया कि आपके बड़े बड़े फिल्म स्टार्स टेलीविजन में आने लग गए। ये एक साइकिल है, आज वेब सीरीज है, कल को कुछ और होगा। काम होते रहना चाहिए, एवोल्यूशन होते रहना चाहिए, डिस्कवरी होते रहना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए। जब 80s में अगर आप 90s में देखेंगे तो फिल्में इतनी मसाला फिल्में बनती थी जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था। एग्जैक्टली। तब आपका टेलीविजन आया जहाँ पे हम लोग बुनियाद, मैंने जिस पीरियड में लेट 90s में सी हॉक, साया, मैंने शोज की बहुत अच्छे शोज थे। सो टेलीविजन इन दोज डेज वर मच मोर क्लोजर टू रियलिटी, उड़ान, सांस, बहुत सारे ऐसे शोज थे, हसरतें, अस्तित्व, ये शोज रियलिटी के करीब थे। फिर जब टेलीविजन में त्राही माम हुआ ना, जब टेलीविजन ने अपने पर फैला दिए और कुछ भी अनाप शनाप बनाना शुरू किया, जब वो रियलिटी से दूर चले गए तब सिनेमा रियलिटी के क्लोज आ गया। सो यू सी इट्स अ चेंज। आज वेब सीरीज है, जिस दिन वेब सीरीज अपने बिल्कुल एग्जॉस्टिंग और सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच जाएगा कि कुछ भी कचरा बन रहा है, उस दिन कुछ ना कुछ नया इवॉल्व हो जाएगा, या तो फिल्में और बेहतर बनना शुरू हो जाएंगी या टीवी सीरियल और बेहतर। सो चेंज होता रहेगा और अच्छे के लिए होता रहेगा। तो आपकी ये पूरी जर्नी हो गई, आपने वेब सीरीज भी कर लिया, अभी आपका फेवरेट क्या रहा अब तक? सी मैं आपको सच बताऊं, मुझे पहले से भी इस बात का एहसास था और ज्यादा एहसास होता है कि मुझे एक्टिंग बहुत फैसिनेट करता है। ये जो क्राफ्ट है, ये जो एक सब्जेक्ट है एक्टिंग, मुझे बहुत फैसिनेट करता है। और मैं इसके अलावा मेरी प्राइम प्रायोरिटी लाइफ में एक्टिंग है, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। मेरे लिए मीडियम, अभी मैं एक प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम है पालेगंज 1990। हमने 25 शोज उसके किए हैं। वो दो कैरेक्टर का प्ले है, इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, बट वो ऐसा प्ले है कि स्टेज पे आते हैं जब दो कैरेक्टर, इंटरवल नहीं है, यहाँ तक कि कोई फेड आउट भी नहीं होता, एक बार लाइट भी नहीं जाएगी। एक बार वो जो दोनों कैरेक्टर स्टेज पर आ गए तो वो 85 मिनट्स तक परफॉर्म करके जाते हैं, एंड माइंड इट, इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, उसमें आपको सस्पेंस भी बता के जाएंगे। सो आई एंजॉय दैट ऑल्सो। सो फॉर मी मोर देन प्लेटफॉर्म, इट्स इम्पॉर्टेंट वॉट आई एम डूइंग, बट येस राइट नाउ माई फोकस इज मोर ऑन फिल्म एंड वेब सीरीज, बिकॉज टेलीविजन मुझे ऐसा लगता है कि मैं लॉन्ग टर्म वाले कैरेक्टर नहीं प्ले करना चाहता, आई वॉन्ट टू डू वेराइटी। और टेलीविजन में होता क्या है कि अगर जब आप एक ड्रामा सीरीज करते हैं तो वो ड्रामा एक साल दो साल चलता ही रहता है, तो आप उस कैरेक्टर में फंस जाते हैं। तो चलते चलते व्यूअर्स को बता दीजिए, कोई मैसेज दे दीजिए अपने फैंस को। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ, बॉम्बर्स से मेरी शुरुआत हो ही रही है, लेकिन बॉम्बर्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है जिसमें मैं एक बहुत डिफरेंट रोल कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं और भी दो वेब सीरीज और दो फिल्में कर रहा हूँ जो कि इस साल के ख़त्म होने से पहले पहले आपको सब देखने को मिल जाएगा, एंड आई एम श्योर यू विल लाइक वॉट आई एम डूइंग। और जो आपने मेरा पहले अगर काम फॉलो किया तो आपको समझ में आएगा कि मैं बहुत सारे वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारी तरफ से भी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अनुपम, एंड थैंक यू सो मच आपसे बात करने।